नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए आप लोगों के सामने। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे जो डीटीएच का कार्ड होता है, जो पावर सप्लाई, उसमें क्या कॉमन फॉल्ट होता है और क्या फॉल्ट होने के कारण इस कार्ड डेड कंडीशन शो होता है। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के जस्ट लेफ्ट साइड ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है और ट्रांसफार्मर के राइट साइड में ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन है। ज़्यादातर इसमें फॉल्ट प्राइमरी सेक्शन में होता है। यहाँ इस साइड प्राइमरी सेक्शन होता है जिसमें चार डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। देख सकते हैं एक फ्यूज बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स के अंदर में फ्यूज लगा हुआ है और एक यहाँ पे कॉमन मोड कॉइल लगी हुई है और ये आईसी लगी हुई है। ये ज़्यादातर फॉल्ट इस प्राइमरी सेक्शन में ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको डिवाइड दो भाग में किया गया है, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे इस प्रकार से सेपरेट लाइन बनाई हुई है और यहाँ पे सेकेंडरी साइड अलग रखा गया है। तो प्राइमरी सेक्शन में सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट होता है फ्यूज का उड़ना। ये फ्यूज जल जाता है, बहुत बार ये फ्यूज खराब हो जाता है। इस फ्यूज खराब होने से यहाँ पे इसको निकाल के देखने से यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ पे जला हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार से आप फ्यूज को देख करके भी पहचान पाएंगे बहुत ही आसानी से कि फ्यूज खराब है या सही है। या तो इसको मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं फ्यूज को मल्टीमीटर से इस प्रकार से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लेंगे। इस प्रकार से कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करने के बाद फ्यूज को चेक कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को हमने यहाँ पे इस प्रकार से टच करेंगे फ्यूज के दोनों साइड में, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो मल्टीमीटर में यहाँ बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो फ्यूज हमारा बिल्कुल सही होगा, ओके कंडीशन में होगा। और बीप की आवाज़ मल्टीमीटर में नहीं आती तो ये अंदर से बर्न होगी या इसकी जो यहाँ पे फ्यूज की वायर अंदर में लगी हुई वो जली हुई या टूटी हुई होती है, जिसके कारण से कंटिन्यूटी शो नहीं होता है। यहाँ पे फ्यूज 1 एम्पियर का लगाना चाहिए इस सप्लाई में, यहाँ 1 एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। तो सबसे पहला फॉल्ट इसमें फ्यूज का उड़ना होता है। तो फ्यूज बहुत कारणों से उड़ता है, कभी कभार ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण फ्यूज उड़ जाता है, या हमारे यहाँ पे एक कॉमन मोड कॉइल लगी हुई है, ये क्वाइल खराब होने से भी ये फ्यूज उड़ जाता है। ये क्वाइल तभी खराब होता है जब ये फ्यूज ज़्यादा एम्पेयर का यहाँ पे लगा होने के कारण ये कॉमन मोड क्वाइल जल्दी खराब होती है। और कॉमन मोड क्वाइल खराब होने के कारण यह भी है, यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, चार डायोड से यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है एसी को डीसी में बदलने के लिए। यहाँ पे डायोड का नंबर IN4007 का प्रयोग किया गया और ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। इन कोई भी डायोड का खराब होने से भी ये कॉमन मोड कॉइल खराब हो सकती है या फ्यूज उड़ सकती है। तो सबसे पहले अगर फ्यूज आपका उड़ा है तो फ्यूज को चेंज करके, कॉमन मोड कॉइल खराब है तो इसको चेंज करके, उसके बाद इन सभी डायोड को एक बार चेक कर लेंगे, तभी आप सप्लाई इसमें देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो डायोड है इसको चेक करने का भी सेम तरीका वही है, जैसे फ्यूज आप चेक किए हैं उसी प्रकार से आप इस डायोड को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये बजर की रेंज पर सेट करेंगे मल्टीमीटर को और डायोड के दोनों सिरों पर यहाँ पर चेक करेंगे इस प्रकार से बारी बारी से। तो यहाँ पे एक साइड रीडिंग आनी चाहिए इस प्रकार से और दूसरी साइड यहाँ पे कुछ नहीं आनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल सही है। यहाँ दोनों साइड से रीडिंग आएगी तो वो डायोड हमारा ख़राब होगा। या डायोड को चेक करते समय अगर डायोड में बजर की आवाज़ मल्टीमीटर में आती है तो वो डायोड हमारा ख़राब होगा।
तो ये डायोड खराब होने के कारण से भी ये कंपोनेंट खराब होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्रिज रेक्टिफायर बना के जो डीसी यहाँ पे बनता है वो प्योर नहीं होता है। उसको प्योर करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे 47 UF 450 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा है जो डीसी करंट को फिल्टर करता है। यहाँ पे डीसी करंट को फिल्टर करके आगे सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये वाले सेक्शन, प्राइमरी वाले सेक्शन में अगर आप ग्राउंड से जुड़े हैं और इसको टच करेंगे तो आपको शॉक लग सकती है, इसको बिल्कुल ना छुए। और इधर प्राइमरी सेक्शन में शॉक लगने की संभावना 100% है, इसमें शॉक लग सकती है। लेकिन इधर सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पे प्योर इधर डीसी आती है, इधर टच करने से इसमें करंट नहीं लगता है। और एक समस्या इसमें आती है डीटीएच बॉक्स में, जो कि सेट टॉप बॉक्स को टच करने से करंट लगता है, बहुत तेज की करंट लगता है। वो करंट कैसे लगता है यहाँ पर देख सकते हैं, एक एमओबी लगा है एक इस प्रकार से, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को जोड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेक्शन को जोड़ता है यहाँ पे इस पीएफ कैपेसिटर के खराब होने के कारण जो सेटअप बॉक्स होते हैं उसमें करंट आने लगती है। तो इसको चेंज कर देने से ये समस्या समाप्त हो जाती है इस प्रकार से। जो और ये एआईसी जो यहाँ पे लगी हुई है ये जल्दी खराब नहीं होती है, ये खराब तभी होती है जब ये कॉमन मोड कॉइल खराब होती है, तभी ये एआईसी खराब होती है। और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है जो करंट को फिल्टर करके आगे करंट को सप्लाई करता है। और यहाँ पर एक इंटरफेरेंस फिल्टर कैपेसिटर लगाया है, देख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से, इसका कलर कोई भी हो सकता है, ये बहुत कम चांसेस है इसका खराब होना, ये जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन कभी कभार खराब हो जाने के बाद भी सेट डेड हो जाता है, सेट डेड शो करता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी सेक्शन में कौन कौन सा कंपोनेंट खराब होने से डेड शो होता है, ये फ्यूज खराब होने से सेट डेड होता है, ये खराब होने से डेड शो करता है। इन सभी डायोड, अगर कोई डायोड इसमें से खराब है तो सेट डेड शो करता है। और यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं एक, यहाँ सेकेंडरी सेक्शन में एक ऑप्टो कपलर यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन में साथ में जुड़ी हुई है। यहाँ ऑप्टो कपलर में क्या होता है, इसमें एक अंदर इनबिल्ड एलईडी होती है जो जलती है और उसी से सिग्नल ट्रांसफर होता है। ये कार्ड मार्केट में बहुत ही आसानी से 60 से 80 रुपये में मिल जाती है, लेकिन कभी कभार नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में आप इसको बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं और कुछ डायोड लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी शॉटकी डायोड लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक बड़ा सा डायोड लगा हुआ है जो 5 वोल्ट इससे आउटपुट होता है, और इसमें एम्पियर ज़्यादा रहने के कारण यहाँ पे बड़ा डायोड लगाया जाता है इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज अगर आउटपुट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है कितना वोल्टेज आउटपुट होता है यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट होता है, 12 वोल्ट आउटपुट होता है, और 24 वोल्ट आउटपुट होता है, और 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है। यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो वोल्टेज है, यहाँ पे 5 वोल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही 5 वोल्ट कार्ड को ऑन करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 5 वोल्ट यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो इसमें से कोई भी कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट या वीक होने के कारण यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाता है।
इस कैपेसिटर को, इन सभी कैपेसिटर को चेक करके इसको चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे सही मिलने लगेगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में भी इन सभी डायोड को अच्छे से चेक करने के बाद ये वोल्टेज मिसिंग जो वोल्टेज है वो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। ये डायोड भी हमारे ख़राब होते हैं, इन डायोड को चेक करके प्रॉपर इसको लगाने से इसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक फॉल्ट आते हैं जो कि हम बहुत ही आसानी से इस कार्ड को रिपेयर कर सकते हैं। इस कैपेसिटर बहुत बार इस कैपेसिटर भी ख़राब हो जाता है, तो इस कैपेसिटर को भी निकाल के आप चेक कर सकते हैं। इस कैपेसिटर थोड़ा सा फूल जाता है या वीक हो जाती है तो प्रॉपर जो डीसी को प्योर नहीं कर पाता है, जिसके कारण से समस्या बनती है, इसको चेंज करने से समस्या समाप्त हो जाती है। तो आशा करते हैं इस कॉमन फॉल्ट जो इस पावर सप्लाई में आता है उसके बारे में आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।